नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। माध्यमिक शिक्षा विभाग की तरफ से संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों में 2000 शिक्षकों की भर्ती हेतु सहमति व्यक्त की गई है, यानी कि माध्यमिक शिक्षा विभाग में अब 2000 नए शिक्षक की भर्ती की जाएगी। हालांकि इस प्रकार के जो शिक्षक की भर्ती वो मानदेय के आधार पर रखे जाएंगे, और आप सभी लोगों को यह जानकारी होगी कि इसके पूर्व में भी 2 वर्ष पहले मानदेय पर शिक्षकों की भर्ती की गई थी। तो जहां पर माध्यमिक शिक्षा विभाग की तरफ से 2000 नए मानदेय शिक्षकों की भर्ती की जा रही है, वहीं पर पूर्व में भर्ती किए गए अंत अस्थायी स्वरूप के पूर्व के भर्ती के संदर्भ में भी एक नई घोषणा की गई है कि अब उन्हें और उनके कार्यकाल को आगे नवीनीकरण करके बढ़ा दिया जाएगा। तो इस समय 2000 शिक्षक की भर्ती की जाएगी संस्कृत माध्यमिक विद्यालय में, संस्कृत माध्यमिक विद्यालय में। यह एक सूचनात्मक किस्म की बात है। हालांकि 2000 शिक्षकों के मानदेय पर भर्ती के संदर्भ में माध्यमिक शिक्षा विभाग की तरफ से प्रस्ताव तैयार किए गए हैं, जिसे शासन हेतु प्रेषित किया गया है, और शासन से जैसे उस पर सहमति प्राप्त होती है इसके लिए जो है शासनादेश जारी कर दिए जाएंगे और इसके लिए विज्ञप्ति जारी कर दी जाएगी। हालांकि विज्ञप्ति विद्यालय के स्तर पर जारी होगी, क्योंकि रिक्तियां जो है वो विद्यालयों से जारी होती हैं, विद्यालयों के स्तर पर पद सृजित होते हैं और रिक्तियों के क्रम में वहां से नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। आपको यह जानकारी होगी कि प्रदेश में संस्कृत माध्यमिक विद्यालय अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय के रूप में कार्यरत हैं, जहां पर प्रबंधक के स्तर से नोटिफिकेशन जारी किए जाते हैं। तो वर्तमान समय में विभाग के स्तर पर 2000 मानदेय शिक्षकों की भर्ती हेतु प्रस्ताव तैयार किया गया है और इसे शासन हेतु सहमति के लिए प्रेषित कर दिया गया है। और इसके पूर्व में 2 वर्ष पहले 440 संस्कृत के शिक्षकों की भर्ती की गई थी, संस्कृत शिक्षकों की भर्ती की गई थी, और ये संस्कृत के शिक्षक अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक संस्कृत विद्यालयों में कार्यरत थे। और यहाँ पे 2 प्रकार के शिक्षकों की भर्ती की गई थी, एक था पूर्व मध्यमा के रूप में और दूसरा उत्तर मध्यमा के रूप में। आपको यह जानकारी होगी पूर्व मध्यमा के शिक्षक कक्षा 9 एवं 10 के विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं और उत्तर मध्यमा कक्षा 11 एवं 12 के बच्चों को पढ़ाते हैं। तो पूर्व में 440 संस्कृत शिक्षकों की भर्ती इस रूप में की गई थी। तो यहां पर इसके लिए जो योग्यता होती है वो शास्त्री होती है और यहां पर आचार्य, यहां पर शास्त्री को स्नातक के रूप में जाना जाता है और आचार्य को प्रास्नातक। अब इसमें संस्कृत साहित्य होते हैं, व्याकरणाचार्य होते हैं, आधुनिक विषय होते हैं, इस तरीके से कई विषय होते हैं जो संस्कृत विद्यालयों में सृजित पदों के सापेक्ष होते हैं और वहां पर रिक्तियों के सापेक्ष प्रबंधक के स्तर से इसमें नोटिफिकेशन जारी किए जाते हैं, जिसमें आवेदन के बाद एक चयन समिति होती है और चयन समिति के बाद आपकी भर्ती होती है। तो जो 440 शिक्षक भर्ती किए गए थे ये अस्थायी प्रकार के थे और इनके नवीनीकरण का भी प्रस्ताव माध्यमिक शिक्षा विभाग की तरफ से तैयार किया गया है कि अब इनको नवीनीकृत कर दिया जाएगा, यानी कि ये विद्यालय में बने रहेंगे और नए 2000 शिक्षकों की भर्ती होगी। हालांकि इस तरीके के शिक्षकों की भर्ती का उद्देश्य वास्तव में माध्यमिक शिक्षा के संस्कृत विद्यालयों में रिक्त पदों को भरना है, ताकि बच्चों की शिक्षा दीक्षा बेहतर ढंग से हो सके। तो इसी क्रम में 2000 शिक्षकों की भर्ती हेतु विभाग की तरफ से प्रस्ताव बना हुआ है शासन से सहमति लेने के लिए। अब दूसरा, इसमें चयन योग्यता और वेतन, चयन हेतु इसमें चयन समिति होती है जिसके माध्यम से चयन की जाती है और इस चयन समिति के माध्यम से इनके मेरिट यानी कि गुणांक जो इनके एकेडमिक मार्क्स हैं वह प्लस इसके लिए
साक्षात्कार की व्यवस्था होती है और साक्षात्कार में प्राप्त मार्क्स तथा एकेडमिक मार्क्स के योग के आधार पर मेरिट लिस्ट बनती है जिसके आधार पर चयन किया जाता है। हालांकि इसके संदर्भ में उनका गुणांक कैसे बनेगा और कितने अंकों के साक्षात्कार होंगे, चयन समिति में कौन कौन लोग होंगे, इसके पूर्व में एक वीडियो बनाई जा चुकी है जो इसके पूर्व की 440 संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों की भर्ती के संदर्भ में थी और वह चैनल पर अपलोड है और इसके डिस्क्रिप्शन में जो उसका लिंक भी दे दिया जाएगा जहां पर आप डिटेल में देख सक पाएंगे कि जो है किस आधार पर जो चयन समिति बनती है, उसमें कौन कौन लोग होते हैं, योग्यता के लिए कौन कौन से विषय हैं और किस तरीके से गुणांक बनता है, कितने अंकों का साक्षात्कार होता है, कैसे फाइनल मेरिट बनती है, इन सभी के बारे में डिटेल में वहां पर चर्चा की गई है। पर इतना जान लीजिए कि चयन समिति एकेडमिक और साक्षात्कार के मार्क्स के आधार पर बनती है। और अगली सबसे बड़ी बात यह है कि योग्यता, योग्यता जैसा कि पूर्व मध्यमा के शिक्षकों के लिए स्नातक और बीएड होना आवश्यक है और इसी तरीके से उत्तर मध्यमा के जो शिक्षक है वो परास्नातक यानी कि आचार्य की डिग्री होना चाहिए और यह उत्तर मध्यमा कक्षा 11 और 12 तक के विद्यालयों में पढ़ाते हैं और शास्त्री जो स्नातक है वो पूर्व मध्यमा कक्षा 9 और 10 तक के जो है बच्चों को पढ़ाते हैं। वेतन को लेकर के अगर बात की जाए, वेतन आप इसे कहेंगे या आप इसको मानदेय कहेंगे, तो जहां पर पूर्व मध्यमा के लिए 12,000 था वहीं उत्तर मध्यमा के लिए इसमें 15,000 की व्यवस्था पूर्व वर्षों में की गई है और इस बार भी चूंकि मानदेय के आधार पर ही शिक्षकों की भर्ती की जा रही है तो इस बार की भर्ती में इसी तरीके की व्यवस्थाएं जो है देखने को मिलेगी। तो माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत संस्कृत विद्यालयों में भर्ती है तो इस तरीके से 2000 पदों पर माध्यमिक शिक्षा विभाग की तरफ से प्रस्ताव तैयार कर लिए गए हैं जिसे शासन हेतु प्रेषित किया गया है और जिन भी स्टूडेंट के पास इस तरीके की डिग्री है वो निश्चित तौर पर इसमें आवेदन करें और शिक्षक के रूप में उन्हें अध्यापन करने का मौका प्राप्त होगा। तो माध्यमिक शिक्षा विभाग के संस्कृत विद्यालयों के लिए 2000 शिक्षकों की भर्ती के संदर्भ में ये पदों की संख्या, योग्यता, चयन, वेतन मान इत्यादि के संदर्भ में थी और इसके पूर्व में जो भर्ती 440 शिक्षकों की पूर्व मध्यमा और उत्तर मध्यमा के रूप में की गई थी उनके नवीनीकरण के संदर्भ में विभाग की तरफ से इस तरीके के जो प्रपोजल बने हुए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि जानकारी आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण होगी। तो पुनः अगले लेक्चर में हम लोग कुछ नई जानकारी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।